जो मेरा टेक्नोलॉजी थी यार, वो जावा विथ स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई, माइक्रो सर्विसेस, ये सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरी वो जो पोजीशन थी वो थी। और इसके बाद यार मैं यदि अपना पैकेज बताऊं तो मेरा 12+ LPA तक का लाइक डिसाइडेड था, जो डिसाइड हुआ था 4 से 12+ LPA तक का था यार। हेलो एवरीवन, इट्स मी अमृत आनंद, कैसे आप लोग? तो यार आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एमडॉक्स कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। रिसेंट में मैंने यार एमडॉक्स कंपनी का इंटरव्यू दिया हुआ था और मैं आप लोगों के साथ फुल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था टोटल स्टार्ट से लेकर के एंड तक। हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले यार एमडॉक्स कंपनी के बारे में कि एमडॉक्स कंपनी कैसी कंपनी है, क्या है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने कहाँ से अप्लाई करा हुआ था, मुझे कहाँ से एमडॉक्स कंपनी का इंटरव्यू के लिए कॉल आया हुआ था। इसके बाद हम लोग भी बात करेंगे यार कि कितने नंबर्स ऑफ राउंड्स हुए थे मेरे, टोटल नंबर्स ऑफ राउंड्स कितने हुए थे और हर एक इंडिविजुअल राउंड में क्या क्या उन लोगों ने पूछा था, किस डायरेक्शन में ज्यादा फोकस करा था इंटरव्यूअर्स ने। तो यार हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और यदि अभी भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। तो आ जाओ फिर वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमडॉक्स कंपनी के बारे में। तो यदि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता दूं तो एमडॉक्स यार भी एक बहुत बेस्ट चॉइस होने वाला है यदि आप एमडॉक्स को चूज कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि एमडॉक्स एक सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है, एमडॉक्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, टेली कम्युनिकेशन डोमेन के अंदर ये आती है यार, और एक इजराइल बेस्ड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर यार USA में है। तो यार यदि आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर कोई भी डेजिग्नेशन के थ्रू एमडॉक्स ज्वाइन करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो रियली आपका एक बेस्ट चॉइस होगा यार एमडॉक्स को ज्वाइन करना। और मैं सैलरी की कंपेरेबल बताऊं कंपेयर करके तो सैलरी भी काफी अच्छा है एमडॉक्स का एज कंपेयर टू TCS, इंफोसिस, विप्रो, SCL, एज ऑल दी सर्विस कंपनी से यार आपको सैलरी काफी अच्छी मिलेगी एमडॉक्स में, जस्ट बिकॉज की यार एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एमडॉक्स। तो यार अब हम लोग इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करते हैं एमडॉक्स का। तो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यार कि एमडॉक्स के अंदर 3 मंथ्स का कूल ऑफ पीरियड होता है। कूल ऑफ पीरियड का मतलब होता है यार कि यदि आप एक बार एमडॉक्स अप्लाई कर लिए और आप रिजेक्ट हो गए तो यार आप फिर से 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो, 3 महीने के बाद ही आप अप्लाई करोगे। इन केस यदि आप अप्लाई कर दिए और आप सेलेक्ट भी हो गए तो आपका ऑफर लेटर नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर भुगत चुका हूं। मैं यार फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, मैं रिजेक्ट हो गया था और मैंने यार फिर सेकेंड टाइम अप्लाई कर दिया अराउंड 10 दिन के अंदर ही मैं सेलेक्ट हो गया यार। और जब मेरा ऑफर लेटर वेरिफिकेशन के लिए गया तो वहां पे यार वो रिजेक्ट हो गया, मेरा ऑफर उन लोगों ने सेंड नहीं करा ये बोल करके कि आप 3 महीने के अंदर 2 बार अप्लाई कर चुके हो। तो ये बहुत जरूरी है यार, मैं भुगत चुका हूं इसलिए आप लोग को ये चीजें मैं अवेयर कर रहा हूं। अपने बारे में थोड़ा सा अधिक बताऊं तो मैं 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई किया हुआ था और जो मेरा टेक्नोलॉजी थी यार वो जावा विद स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, रेस्ट API, माइक्रो सर्विसेस, ये सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरी वो जो पोजीशन थी वो थी। और इसके बाद यार मैं यदि अपना पैकेज बताऊं तो मेरा 12+ LPA तक का लाइक डिसाइडेड था, जो डिसाइड हुआ था 4 से 12+ LPA तक का था यार। और यार मैंने अप्लाई किया हुआ था लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पे यार एक जॉब सेक्शन होता है जहां पे आपको हर कंपनी का जॉब ओपनिंग्स दिख जाएगा, तो वहां पे यार मुझे लाइक एमडॉक्स का जॉब ओपनिंग दिखा हुआ था, मैं वहीं से अप्लाई किया हुआ था, आप भी जाकर चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो नंबर्स ऑफ राउंड्स की बात करें तो यार मेरे लाइक फर्स्ट राउंड जो था यार वो टेक्निकल राउंड था, उसके बाद दो टेक्निकल राउंड, एक मैनेजेरियल एंड 1 HR राउंड था यार। 4 राउंड मेरे टोटल थे, 2 टेक्निकल, 1 मैनेजेरियल एंड 1 HR राउंड। यार एक बात आप ध्यान रखना कि मैनेजेरियल राउंड भी एलिमिनेशन राउंड होता है, आप मैनेजेरियल राउंड से बाहर आ सकते हो, तो ये चीज अवेयर रहना यार। तो मैं यदि फर्स्ट राउंड की बात करूंगा तो फर्स्ट राउंड में स्टार्टिंग यार होता है आपके करंट प्रोजेक्ट से, जिस प्रोजेक्ट पे आप अपने करंट कंपनी में काम कर रहे हो वहां से आपका क्वेश्चन उनका स्टार्ट होगा, आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे आपका अपना करंट प्रोजेक्ट। उसके बाद यार वो लोग उन्होंने पूरा कोर जावा केवल मुझसे पूछा था, अराउंड 50 मिनट्स चला था यार मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टेक्निकल राउंड, और उसमें केवल उन लोगों ने पूरा कोर जावा, लाइक आप कह सकते हो कि जावा का क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उप्स कॉन्सेप्ट लेकर के पूरा कोर जावा उन लोगों ने 40 से 50 मिनट तक के इंटरव्यू में मुझसे पूछा था यार। यार सेकेंड जो टेक्निकल राउंड इंटरव्यू था उसमें यार उन लोगों ने मुझसे फ्रेमवर्क पूछा हुआ था पूरा, लाइक स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग के का पूरा इंटरव्यू क्वेश्चन, स्प्रिंग बूट, रेस्ट API, माइक्रो सर्विसेस, स्प्रिंग MVC, SQL डेटाबेस। इसके बाद उन लोगों ने मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन भी पूछा हुआ था सेकेंड राउंड के अंदर, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दिया, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया कोडिंग को, तब जाकर देख सकते हो।
तो ये था मेरा यार सेकेंड राउंड। और जो थर्ड राउंड था यार वो था मैनेजरियल राउंड, जिसके अंदर यार लाइक एक मैनेजर वो राउंड को लेते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेते हैं आपका। वो यार मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थोरोली होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हो, आपका डेली वर्क क्या रहता है, आपने रिसेंट टास्क क्या क्या कंप्लीट किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, रिसेंट टास्क क्या था, किस तरह का डेवलपमेंट था, आपका डेली का शेड्यूल क्या है ऑफिस का, एंड मेनी मोर आप कह सकते हो। वो लोग यार सिनारियो बेस भी क्वेश्चन पूछेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो आप क्या करोगे, कैसे प्रेशर हैंडल करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, लेकिन इलिमिनेशन राउंड होता है मैनेजरियल राउंड भी, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तीनों राउंड कंप्लीट करने के बाद आपका लास्ट राउंड चार राउंड होगा, और वो लोग यार चार राउंड आपको शेड्यूल करेंगे, और 15-20 मिनट का चार राउंड होता है जिसमें आप लोग को सैलरी लोकेशन एंड ऑल का डिस्कशन होगा। तो बस ये चार राउंड थे यार मेरे हुए थे एमडॉक्स के अंदर। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो दैट्स ऑल यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, या फिर अभी भी कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा डेफिनेटली। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।